देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्या चाहिए तुम्हें, घर या फिर बेटी? अब ये तुम्हारे किस काम का, जब तुम घर छोड़ के जा ही रही हो? हे भगवान, इस काली रात में तू ही एक सहारा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे बहनों देखो। ए बहन, कहीं छोड़ दे क्या? इतने रात को बारिश में बच्चों के साथ इस तरह बैठी है बहन, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हुआ बहन, कहीं छोड़ दे तुमको? ये तो आप ही बता सकती हैं माता रानी, कि अब ये माँ अपने बच्चियों को लेकर कहाँ जाए। बहन जाना कहाँ है तुमको, हम छोड़ देंगे। आ जाओ। वो आप जहाँ भी जा रहे हो ना, वहीं हमको छोड़ दीजिएगा, जहाँ तक भी आपकी ट्रक जाएगी। हाँ बहन, तुम्हें जहाँ जाना है हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। आओ, 5 मिनट रुकेंगे आप? वो हमारे ना वहाँ पे सामान है, हम जल्दी से ले आए, बस 5 मिनट रुकिएगा आप। रुको बहन, हम है ना मदद करने के लिए। शिवम, शंभू, जाओ मैडम का सामान लेके आओ, जाओ बच्चों। आशा का तो बहुत तेज बुखार है। दिशा, आशा को बुखार है बेटा, और पर्स लेकर आ, उसमें दवाई है। हमारा पर्स होगा मां। पानी मिलेगा? आशा, आशा उठो बेटा, ये दवाई खा लो, दवाई खा लो। तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ माँ, किस रास्ते जाएं, मंजिल कहाँ है हमारी, करना क्या है, अब तुम ही बताओ माँ। क्या अपराजिता की लॉन्ड्री वाली कार सड़क पे खाली? हाँ यार, तेरे फोन करने के बाद मैंने अपने कुछ बंदे भेजे थे वहां पे चेक करने के लिए, उन्होंने ही मुझे बताया। पता नहीं अपराजिता कर क्या रही है। सुन, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, और तेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो प्लीज मुझे बता देना। तो चल ठीक है, बाय। थैंक्स यार। अब अपराजिता, इस औरत की जिद पता नहीं उसे कहाँ ले जाएगी, और मेरी बच्चियों को भी। शशिलाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल प्रकटी विकराला।
चलो बहन, हमें जहाँ पहुंचना था हम पहुंच गए। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है। हम भी बस यहीं उतर जाते हैं। उठो बच्चों, चलो उतरना है यहाँ पर। मम्मी, हम वहीं आ गए वापस। वो देखो लॉन्ड्री। हम आ नहीं गए बेटा, लाए गए। यही माँ का आशीर्वाद है और अब यही हमारी किस्मत। चलो ये इसे तू ही रख बहन, माता रानी का आशीर्वाद है, तेरी रक्षा करेगा। लॉन्ड्री के पीछे जो कमरा है वो तो बाजी इस्तेमाल भी नहीं करती, पर किराया तो उसका भी ले रही आप। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामिया। मम्मी आप क्या कर रही हैं? इतने सालों से पीछे के कमरे का पैसा देते आए हैं, अब देखते हैं चट्टान कैसे रोकती है हमको। चलो इससे बच के चलो। आ जाओ संभाल के। बेटा देखो वहां पे कोई स्विच विच है क्या? मम्मा हमारा बहुत जोर से सर दुख रहा है। हाँ बेटा कुछ करते हैं, ये लो इस पे बैठ जाओ तुम पहले।
रोशनी का अस्तित्व और अहमियत अंधेरे में ही नजर आती है। एक नई सुबह का उत्साह एक लंबी काली रात के बाद ही होता है, और वो सुबह आपसे कहती है कि एक बार फिर से आप शुरू से शुरू कर सकते हैं। बस हौसला रखने की जरूरत है। जहर तो आपको भी पीना पड़ा था भोलेनाथ, पर उसे आपने गले के नीचे नहीं उतरने दिया और नीलकंठ कहलाए। हम भी आप ही के भक्त हैं। जो जहर लोगों ने हमारी जिंदगी में घोला है उसे हम फैलने नहीं देंगे, उसे अपनी ताकत बनाएंगे। आपके आशीर्वाद के लिए हम सर झुका सकते हैं, लेकिन उस घर में जब वापस जाएंगे सर उठाकर जाएंगे। जीवन की हर परीक्षा देने के लिए हम तैयार हैं भगवान, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। आपके आशीर्वाद के साथ साथ हमारे साथ हमारी 3 बेटियां भी हैं। कुछ नहीं है, जिसने सालों जिंदगी की तपिश सही हो उसे जलन कहां महसूस होगी। और वैसे भी ये भोलेनाथ के नाम की अग्नि है, इसे जलेंगे नहीं, जी जाएंगे। तुम्हारा बुखार कैसा है? अब ठीक है ना? क्या तुम लोगों ने वो मोबाइल पे वो आता है ना इमोजी जैसी शक्ल बना रखी है, सैड इमोजी। चलो हंसो, और हमको बहुत काम है आज, पूरे घर की सफाई करनी है। ये सारा काम करते करते ना शाम हो जाएगी, तब तक भी हमको लगता है ये सब खत्म नहीं होगा। अच्छा छवि सुनो बेटा, ये ना बाहर कुंडी में लगा। अरे दिशा, वो गुफराना हमारा फोन लेकर गया है बनाने के लिए। तुम दादी को फोन करके पता कर लोगी उनका हालचाल, अब तक तो उठ गई होंगी। जी मम्मी। अरे उठे क्या होंगे, रात भर सोई नहीं होंगे। उनकी बिट्टी जो उनके साथ नहीं। बेटा ये तुलसी बाहर लगा दोगे कुंडी में, इसमें ले जा। घर में तुलसी क्यों लगाते हैं पता है बेटी? तुलसी घर की रक्षा करती है, आने वाली मुसीबत को अपने पे लेती है, किसी को कुछ होने नहीं देती। हमारे घर की तुलसी तो तुम हो। सब उस मोहिनी की वजह से, और
गुस्सा आ रहा है ना, मुझे मन तो करा उसका मुंह तोड़। एक्चुअली मुंह नहीं, उसका सर फोड़ दी। तू ये पकड़ ले, 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 ले। बेटा उसका सर फूटे ना फूटे हमारा टेबल जरूर टूट जाएगा, और एक ही टेबल है पूरे घर में। तुम्हें ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, एक काम करो, किसी एक का सर पकड़ो, उस पर चंपी कर दो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और इनको भी। पर माँ तो घर जैसा नहीं लगता। तो ठीक है, बना लेते हैं इसे घर जैसा। वैसे घर लगता क्या है ये बताओ, जब तुम लोग आग बंद करके घर के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पिज्जा। हम जब भी आपको देखते हैं तो आप हमें किचन में पिज्जा बनाते हुए दिखती हो। और मैं गुस्से में कुछ भी बड़बड़ कर रही होती हूँ, पीछे से आके टाइट हक देती हूँ और मैं चुप हो जाती हूँ। हमें तो रात में नींद नहीं आ रही और आप हमसे कह रहे हैं कोई बात नहीं गुड़िया, अगली बार फिर कोशिश कर लेना, पास हो जाओगी। अरे बेटा रिजल्ट का क्या है, पास फेल चलता रहता है, तुम बस हंसो और हम आपकी गोद में सर रखकर आराम से सो रहे हैं। यानी घर मतलब हमारी रॉकस्टार मम्मा और हम, और हमारे ढेर सारे हैप्पी मोमेंट्स सारे हमारी बुद्धि में। दिखा दिखा दिखा, और ये उड़ गए आसमान में पंख फैला के। जब हमारे सपने, हमारी खुशियाँ, हमारी उम्मीदें सब कुछ यहाँ पर है तो ये घर जैसा क्यों नहीं है? बताओ यहाँ पर क्या कमी है? दादी। हम जानते हैं बेटा, हमें दादी की कमी खलेगी, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं एक दिन दादी हमारे साथ ही होगी। चलो जल्दी जल्दी से बाहर लेकर जाओ, जल्दी करिए आप लोग। ओ माय गॉड, ये कचरा अब तक यहीं पड़ा हुआ। उफ़, चलो चलो फटाफट बाहर, और वो लैंप शेड अंदर लेकर आओ। अरे हमारा फोन देखा क्या? हाँ फोन। अरे भैया तुमने देखा क्या फोन? हाय। हाँ दे दो। क्यों, क्या करेंगी आप फोन का? बातें करनी है मुझसे कीजिए ना, मैं हूँ ना आपकी सुख दुख की साथी। साथी नहीं, बौखलाए हाथी हो तुम, सब कुछ बर्बाद करने के लिए आई हो। फोन दो, बिट्टी से बात करनी है हमें, फोन दो। हाँ ला रही हूँ ला रही हूँ। अरे बाबा व्हील चेयर में बैठी हुई है, इतना उछलिए मत। उछल उछल के जाना कहाँ है आपको, फोन लेने आ रही हो। फोन दो, बिट्टी से बात करनी है। तुम सर ढक लो, यहाँ बहुत धूल है। दिशा तुम भी। मम्मी मैं तो बस चाहती हूँ वो दुबई वाले हमें नजर ना आए रोज। अरे क्यों ना दिखे, हम तो कहते हैं कि रोज के रोज दिखें। बस भगवान हमको इतनी क्षमता दे कि उनकी शक्ल देखने के बाद भी हमें कोई फर्क ना पड़े। आई नो दिशुदी, आपके अंदर वो बदले की आग जल रही है, पर मम्मा सही कह रही है। जल नहीं रही है आग, भड़क रही है। अच्छा बताओ आग क्या क्या कर सकती है? फिर से कोई, पर इस बार मुझे इसका आंसर आता है। आग से हम खाना बना सकते हैं और अंधेरे में रोशनी कर सकती है। आग जला भी सकती है, जलाकर सब कुछ राख कर सकती है। बिल्कुल सही, आग ये सब कर सकती है, पर अब हमें तय करना है कि हमें अपने गुस्से की आग से करना क्या है। इस आग से खुद को जलाकर भस्म कर लेना है, या इससे खुद को मजबूत बनाना है और कुछ नया करके दिखाना है। और वो देखो, वो बाई तरफ, वो हमारी बाई तरफ हमारा बीता हुआ कल है, हमारे बीते हुए कल की परछाई है, और यहाँ दाई तरफ हमारे आने वाले कल की रोशनी है। हमारी खुशियां, हमारी उम्मीदें, हमारे हमारे सपनों की रोशनी।
अब ये तुम तय करो किस रोशनी को गले लगाना है कि बीते हुए कल के पीछे भागना है। बताओ क्या करना है। सब करे बयां खुद करे बयां तेरी ये दास्तां।